वेल गाइस, जैसा कि आप लोगों ने पिछले वीडियो में डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाल्व्स के बारे में देखा, उसके बाद डिफरेंस बिटवीन गेट वाल्व एंड ग्लोब वाल्व के बारे में भी देखा, और आपको ये भी पता है कि किसी भी इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा गेट वाल्व का इस्तेमाल किया जाता है, तो क्या होता है कि कई बार इंटरव्यूअर आपसे गेट वाल्व के कुछ पार्ट्स के नाम भी पूछ लेता है। वैसे तो आपको बेसिक पार्ट्स के बारे में जानना ही चाहिए अगर आप काम करते हैं तो, या फिर इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं तो भी आपको पता होना ही चाहिए। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम देखते हैं कि गेट वाल्व के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। और यार, अगर वीडियो से आपको थोड़ा भी हेल्प मिले ना तो तुम्हारी कसम चैनल को सब्सक्राइब करके जाना यार, और ये दावा करता हूं कि आने वाले टाइम में और भी बेहतरीन वीडियोस देखने के लिए मिलेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अगर आप पहली बार वीडियोस देख रहे हो तो आपको बता दूं कि गेट वाल्व का इस्तेमाल जनरली किसी भी फ्लूइड के फ्लो को कम्प्लीटली बंद या चालू करने के लिए किया जाता है, इसलिए इसे हम आइसोलेशन वाल्व के नाम से भी जानते हैं। अगर हम वाल्व को थोड़ा बहुत बंद या चालू रखते हैं तो वाल्व के डिस्क से फ्लो टकराता है, जिससे वाइब्रेशन और नॉइज उत्पन्न होता है, और फाइनली वाल्व डैमेज भी हो सकता है, इसलिए वाल्व को फुल्ली ओपन या फुल्ली क्लोज कंडीशन में रखा जाता है। तो चलो देखते हैं कुछ पार्ट्स के नाम, जिसमें सबसे पहले हम देखेंगे वाल्व बॉडी के बारे में। सो वाल्व बॉडी को एक प्रकार से प्राइमरी बाउंड्री कह सकते हैं, जो कि वाल्व के सारे इंटरनल पार्ट्स को एक साथ होल्ड करके रखता है और किसी भी पाइपिंग सिस्टम को वाल्व से कनेक्ट करता है, चाहे वो फ्लैंज्ड हो या फिर थ्रेडेड हो या फिर वेल्डेड हो, किसी भी तरीके से पाइपिंग सिस्टम को वाल्व से कनेक्ट करता है। यहां आप फिगर में देख सकते हैं कि ये पोर्शन जो है ये पूरा बॉडी कहलाता है। बॉडी के बाद होता है बोनेट, यानी बोनेट भी एक प्रकार से कवर का ही काम करता है, और ये किसी भी वाल्व के बॉडी के ओपनिंग को कवर करता है। तो किसी भी वाल्व का दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो होता है वो बोनेट ही होता है। बोनेट जो होता है वो वाल्व के बॉडी से कनेक्ट होता है, मोस्टली बोल्टेड तरीके से, और ये स्टेम और डिस्क को भी सही से होल्ड करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट पार्ट होता है गैस्केट, जो कि वाल्व के बॉडी और बोनेट के बीच में होता है और बोनेट से होने वाले लीक को प्रिवेंट करता है। देन नेक्स्ट पार्ट होता है हैंड व्हील, चूंकि नाम से ही क्लियर है कि ये व्हील की तरह होता है, जिसे हम क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर सकते हैं, जिससे वाल्व क्लोज या ओपन होता है। देन होता है स्टफिंग बॉक्स, ये जस्ट बोनेट के ऊपर होता है और पैकिंग को, जो कि स्टेम पैकिंग होता है या फिर ग्लैंड पैकिंग होता है, उनको कंप्रेस करके रखने में हेल्प करता है। देन नेक्स्ट होता है ग्लैंड पैकिंग। देखिए, स्टेम और बोनेट दोनों के बीच में सीलिंग को मेंटेन रखने के लिए एक गैस्केट का इस्तेमाल करते हैं, जो कि देखने में रोप की तरह होता है, उसे हम ग्लैंड पैकिंग रोप भी कहते हैं। तो उसको ग्लैंड फॉलोअर के द्वारा कंप्रेस कर दिया जाता है, देन ग्लैंड जो कि एक प्रकार का बुश होता है उसकी मदद से स्टफिंग बॉक्स में पैक कर दिया जाता है, और पूरे पैकिंग सिस्टम को हम ग्लैंड पैकिंग के नाम से जानते हैं। देन नेक्स्ट पार्ट होता है स्टेम। तो यहाँ स्टेम ही वो पार्ट है जो वाल्व के डिस्क को मूवमेंट प्रोवाइड करता है, जिसके कारण वाल्व ओपन और क्लोज होता है। इसका ऊपर वाला जो हिस्सा है वो हैंड व्हील से कनेक्ट होता है, और दूसरा एंड जो होता है नीचे की तरफ वो वाल्व के डिस्क से कनेक्ट होता है, जो कि हैंडव्हील के हेल्प से डिस्क में मोशन प्रोवाइड करता है और वाल्व को ओपन क्लोज करने में हेल्प करता है। इसको आसानी से देखकर आप पहचान सकते हैं, हैंडव्हील के बीच में ये रॉड जैसा होता है जिस पर थ्रेड बना होता है। नेक्स्ट पार्ट है गेट, या जिसे हम डिस्क भी कहते हैं। तो गेट या डिस्क ही वो मेन पार्ट होता है गेट वाल्व का, जो किसी भी फ्लूइड के फ्लो को कंट्रोल करता है, यानी बंद या चालू करता है। इस डिस्क का डिजाइन अलग अलग हो सकता है अकॉर्डिंग टू देयर एप्लीकेशन। लास्ट बट नॉट द लिस्ट पार्ट है वाल्व सीट। वाल्व सीट एक प्रकार से सीटिंग सरफेस है जो डिस्क को होल्ड करता है। किसी भी वाल्व में एक या अधिक सीट्स हो सकते हैं, बट गेट वाल्व में दोनों साइड में सीट होते हैं, जिससे वाल्व का डिस्क कॉन्टेक्ट में आने से एक सील क्रिएट करता है और फ्लो को स्टॉप करता है। तो आज के वीडियो में ये थे कुछ गेट वाल्व के बेसिक पार्ट्स, जिसे आपको पता होना ही चाहिए, और मुझे उम्मीद है कि आपको बेसिक जानकारी समझ में आई होगी। अगर वीडियो थोड़ा भी इंफॉर्मेटिव लगा हो तो कसम से चैनल को सब्सक्राइब करके जाना अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, और बेल आइकन भी प्रेस कर देना ताकि जब भी नेक्स्ट वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो जल्दी मिलेंगे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।